क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इक्वल्स टू 5x अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 2 बाय 3 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 सो दैट d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू 5 बाय 3 1 माइनस x माइनस 5 बाय 3 रेज टू पावर माइनस 5 बाय 3 और 3 माइनस x माइनस 2 sin 4x प्लस 2 ऐसे देखना है। अब हमको क्या करना है, इसका पावर डायरेक्शन निकालना है। तो आंसर 14, तो y को लिख देना है 5x अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 2 बाय 3 फिर प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 ना, तो d बाय dx ऑफ y d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 2 बाय 3 फिर प्लस d बाय dx ऑफ cos स्क्वायर 2x प्लस 1 है ना। अच्छा क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज क्वेश्चन रूल लग जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर तो 2 बाय 3 होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर फिर रेस्ट ऑफ डिनोमिनेटर फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर तो 5 इनटू 1 फिर माइनस फिर रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस x रेज टू पावर 2 बाय 3 ठीक है फिर प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t मतलब 2 cos 2x प्लस 1 हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x तो cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस 2 sin 2x 2x प्लस 1 है ना, ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 बाय 3 माइनस 5x ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 बाय 3 हो जाएगा 1 माइनस एक्स 2 बाय 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 कर देगा प्लस कर देगा इसको ना सुना रहा है हां सुना रहा है अपॉन अपॉन कट हो गया कट हो गया मैं आ रहा है नहीं अच्छा कट नहीं करना ये कट नहीं होगा ना चलिए ना 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 3 रेज टू पावर 4 बाय 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 इनटू 2 साइन 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इनटू कॉस 2x प्लस 1 ठीक है तो कितना हो जाएगा 5 ये आपका इसमें क्या हो जाएगा 5 बाहर ले लीजिए हैं दोनों टर्म है इसमें ठीक है और 5 बाय 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 माइनस x रेज टू पावर 2 बाय 3 हो जाएगा फिर प्लस x अपॉन 1 माइनस x रेज टू पावर 1 बाय 3 हो जाएगा ना इनटू 2 2 से मल्टीप्लाई हो फिर माइनस ये क्या फार्मूला है 2 sin a cos a 2 sin a cos a किसका फार्मूला होगा sin ऑफ 2 a फार्मूला होगा है ना इसलिए sin ऑफ 2 a फार्मूला लगा दिया माने एंगल को टाइम हो जाएगा तो 2x प्लस 1 हो गया ठीक है। अब उसके बाद अब यहां पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा होगा इस टर्म में एलसीएम लीजिए तो कितना होगा ये एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा 1 बाय 3 पावर ऐड हो जाएगा तो जगह 5 बाय 3 ठीक है 3 ये हो गया 1 माइनस x हेलो हेलो हाँ गुड इवनिंग नहीं तो डीएम गार्डन में आंसर नहीं हम हमारे पेपर पे आए हैं पेपर है पेपर होगा ठीक है
क्योंकि ये आपका 3/3 हो जाएगा, 5/3 और ये जाएगा 3, 1 माइनस एक्स 3/3, 3/3 1 हो जाएगा ना, और 3/3 और प्लस 2x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स रेट पावर 1/3 माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 तो देगा 5/3 और ये देगा आपका 3 माइनस 3x क्योंकि ये 1 हो गया और प्लस पावर 1 हो जाएगा प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 ये चीज है ना ठीक है और 4/3 और फिर माइनस 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2 है ना प्रूफ क्या करना मुझे 5/3 ये पावर आपका 4/3 हो गया 4/3 इसको आप करेंगे 4/3 हो जाएगा ये 4/3 आपका 4/ यहाँ पर 4/3 तो 1 माइनस एक्स 4/3 ये 5/3 हो जाएगा तो ऐड हो 5/3 है और 5/3 ठीक है ये कितना आंसर है इसको पहले लीजिए तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/3 माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 ठीक है 5/3 3 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 5/3 माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 ये प्रूफ करता हूँ ये प्रूफ ये लाना चलिए कब करते नाइट